हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। भाई मेरा नाम है यादविंदर चौहान। फिलहाल भाई थार खड़ी है अपने सामने। अब थार से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई एक हल्क खड़ा है। अगर कोई गाड़ी मतलब चली जाएगी ना इसके साइड में, उसमें जो आदमी बैठा होगा वो जरूर देखेगा इसको। अब एक ये एक ऐसी थार है जो अपनी जो यूनिट खड़ी है ना, वो एक ऐसी है भाई, भोकाल तो पूरा टाइट कर देगी आपके लुक्स में, बढ़िया है, एक नंबर की है। पर आप इससे डिसअपॉइंटेड कहोगे भाई, डिसअपॉइंटेड हो गया अगर आप कहीं ऑफ रोडिंग में ले गए, कहीं भाई पैच में ले गए, कहीं ऐसा पैच है जहाँ पे आपको नहीं कर सकते, गाड़ी नहीं चढ़ सकती, दलदल है यार, रेत का है माहौल है वहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस कम देगी। क्योंकि भाई ये हो गई 4x2 आपकी, जो आप अगर 4x4 होती यहाँ पे लिखा होता यार 4x4, अब ये 4x2 है तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होती है। अगर भाई आप अभी लेते ना 2023 के वेरिएंट में लेते तो यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर लिखी आती, RWD यानी रियल व्हील ड्राइव में लिखा था भाई। कुछ लोग हटवा भी लेते हैं उसको, अपने लगवा लेते हैं 4x4 का, वो 200 रुपये में 4x4 बनवा लेते हैं थोड़ी अपने कंफर्ट के हिसाब से कि हाँ भाई बाहर से तो अच्छी दिखे। तो थार में सबसे पहले कोई भी ओनर होता है ना, वो मॉडिफिकेशन तो कराता ही, हल्की फुल्की चाहे कुछ भी कराइए। देखो अलॉय तो इसमें बढ़िया आते ही हैं, उसके हिसाब से ग्रिल चेंज है। देख सबसे पहले देखेंगे भाई ग्रिल इसमें चेंजमेंट है, बिल्कुल अलग है। और लाइट्स भी देख आप देख सकते हो सामने, बढ़िया है, मतलब है काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आप थोड़ा सा मेरे को मतलब आप चाहोगे ना कि थोड़ा सा बल्कि लुक आ रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, गाड़ी में टायर हल्के से बाहर है कंपनी फिटेड होते हुए भी। यानी एक तो देखो ये आपकी जो ये हो गई ना, ये क्लाइडिंग, इसके बिल्कुल अंदर होते हैं कंपनी फिटेड। अब ये हल्के से 2-3 इंच बाहर है टायर, तो इसका मतलब स्पेसर लगा हुआ है गाड़ी में। जैसे कि आप ये देख पाओगे, आपको स्पेसर ये दिख रहा भाई, देखो ये स्पेसर लगा हुआ है गाड़ी के, अटैच है यार। मतलब अब इसका फर्क तो देखो ड्राइव पे तो कुछ पड़ता नहीं है, पड़ेगा तो थोड़े लुक्स पे ही पड़ जाता है, जो आपको बाहर बाहर से बढ़िया थोड़े ब्रॉड टायर लगेंगे, ठीक है। अब साइड से लुक आओगे तो साइड से तो हालांकि कुछ ऐसा चेंज है नहीं गाड़ी में, ना कुछ करा रखा, ऊपर ये लाइट वाइट लगा रखी है जो थोड़े से भाई फैशनेबल है अपने भाई, दिख रही है रात को ले ली मतलब चला लिया, बढ़िया। और एक्स ये जो ट्रेंडिंग में लाइट चल रही है ना भाई, मतलब बढ़िया है गाड़ी यार, देखने में अच्छा लगता है रात को ये जो एक्स वाली। अब इतनी तरह की लाइट आने लग गई यार, मतलब इसकी नई एक्स के बाद भी एक और आ गई लाइट जो थोड़ा सा 8 के टाइप में लग रही है। फिलहाल ये आपको अच्छी लगती है डिसेंट लुक में। अब इसको मैं बात बताऊँ, 4x2 से आप कहाँ पहचान सकते हो, अगर ये एक तो ये हो गया, दूसरा अंदर झांक के शीशे में से ये गियर देख लो भाई, भाई ठीक है, बढ़िया है। तो सिंपल सा आपको ऐसी चाबी मिल जाती है। LX और AX वेरियंट आते हैं, दोनों में आती है आपकी 4x2, और AX आपको 10 लाख एक्स शोरूम पड़ जाता है, 50,000 आप फिलहाल बढ़ गए। और इसमें इंजन आता है 1500 cc का, और 4x4 में आता है 2200 cc का, जो आपको 2200 cc पावर निकालते हैं, 130 bhp और 300 mm का टॉर्क। और ये वाला जो वेरिएंट है ना 1.5 लीटर वाला इंजन, ये 117 bhp 300 mm टॉर्क तो 300 mm भी निकालता है, पर भाई 4x4 कैपेबिलिटी के साथ नहीं आती है गाड़ी, ठीक है। अब मैं अंदर से बात बता देता हूँ, 4x2 वगैरह तो आप अपने आप देख लेना जो भी होता है, ठीक है। ये आपको हाइट एडजस्टमेंट और रिक्लाइन वगैरह मिल जाते हैं, ये टॉप मॉडल है आपको LX, ठीक है। आप अंदर बैठते ही आपको सामने दिखेगा ये बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपके बेस मॉडल से ही आता है, बस इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलेगा जो आपको बेस मॉडल लोगे तो, ठीक है। ये महिंद्रा राइज वाइज तो भाई ये लिखाते हैं वार्निंग सेफ्टी के लिए दी जाती है। डैशबोर्ड का लुक आपको सेम मिलेगा, डिटो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क मिलेगा आपको ये जो गियर लीवर हो गया ना मैंने बताया था, जो 4x4 में लगाने के लिए आता है, दो पावर विंडो हो गई, सेमी लेदराइड सीट मिलती है। देखो ये जो सेमी, एक तो ये लेदर होगा और सेमी लेदराइड यानी थोड़ा कपड़ा सा यहाँ पे होगा। अगर इसका AX वेरियंट लेते ना आप, तो उसमें फुली लेदराइड मिलती है, देखो उसका पता नहीं, ये टॉप मॉडल में तो ये सेमी लेदराइड कर दी और उसमें पूरी लेदराइड, पता नहीं महिंद्रा का क्या चलता है। दूसरी बात मैं बात बताऊँ आपको, जो ये वेरिएंट लेगा ना इसमें ऑटोमेटिक नहीं आता। अब ऑटोमेटिक नहीं आता तो डीजल में यार मतलब गंदी बात है ये तो, अगर किसी को नहीं पसंद हो मैनुअल में ऑटोमेटिक ही चलानी हो तो भाई 4x4 पे शिफ्ट होना पड़ेगा, या फिर पेट्रोल है जो 4x2 आती है उसका लेना पड़ेगा, फिर उसमें वही 2200 cc का इंजन आए कोई फ़ायदा नहीं, फिर 4x4 ही लो भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका ड्राइव का मज़ा लेते हैं। अब भाई कमांडिंग पोजिशन पर बैठते, देखो मेरे को शुरू में मैं
ड्राइव करूं, वैसे तो मैंने चलाई हुई है थार। पर्सनली मैं बताऊं ना आपको, ऐसा लगता है बिल्कुल आंखों के पास कैमरा तो व्यू बिल्कुल बोनट तक आ रहा है। अब इसमें एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होने की बात है, अगर आप थोड़ा सा झाकोगे ना, ये जो आगे बाहर निकला हुआ है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये थोड़ा कर्वीनेस में दिया गया है भाई। फर्स्ट गियर में डाला, क्लिच क्लिच पे उठाऊंगा मैं गाड़ी, आप देखना थोड़ा सा। देखो भाई, देखो 1500 सीसी का इंजन है तो थोड़ा सा स्ट्रगल किया, स्ट्रगल भाई ये बोलते नहीं है इसको, भाई डीजल इंजन है इतना तो करेगा ही, अगर 2200 सीसी के कंपैरिजन में मानोगे ना तो आप भाई थोड़ा सा दबती है गाड़ी। गाड़ी नई है यानी 6000 के किलोमीटर आसपास चली हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो भाई 5998 यानी 2000 किलो, दो किलोमीटर वो चला दी ना, ये 6000 ही हो जाएगी। और उसके हिसाब से ना क्लिच टाइट हुई है अभी तक भाई, डीजल इंजन में बोलते हैं ओवर द टाइम टाइट हो जाती है, तो भाई टाइट वाइट का तो कोई सीन है नहीं। और इसमें मैं मेजरली बात बताऊँ भाई, 4x2 रुतबे के लिए तो ले ली जाती है, और इसमें एक प्लस पॉइंट का मिल जाता है हमें, एवरेज का मिल जाता है भाई, एवरेज ठीक ठाक दे रही है, 15 की एवरेज दे रही है। देखो भाई लोकल में चला रहा हूँ मैं फिलहाल, लोकल ही है भाई ये सेक्टर के रोड है, तो सेक्टर में लोकल में ही चला रहा था, तो उस हिसाब से यार 15.2 की यार ठीक है एवरेज यार उस हिसाब से तो गाड़ी की। और थोड़ी बम्पी राइड तो है, देखो ब्रेकर आए ना, 2-3 ब्रेकर कूदा हूँ ना मैं तो यार है उसमें थोड़ा सा बम्प आ रहे हैं। देखो स्पेसिंग का मामला मैं बताऊँ, स्पेस का मामला यार आप अगर दो, एक बंदा यहाँ बैठा है, एक बंदा मैं चला रहा हूँ, उसके लिए तो है ओके रिपोर्ट। अगर भाई पीछे बंदा जा रहा है ना, जैसे इन भाइयों की तरह बैठे, इनसे पूछो थोड़ा सा स्ट्रगल किया है इन्होंने अंदर आने के लिए, वो कैसे किया है भाई, ये सीट आ गई उसके बाद अंदर आ गए, हमने एक बार उतरना पड़ा था तभी ये भाई तरुण ने ये बोला कि भाई मत उतरो भाई, असली जो रियल स्ट्रगलर है वो आगे वाली जो सीट पे बैठे उसका है, बार बार उतरो, बार बार इनको बैठाओ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तभी इसको फैमिली कार कंसीडर नहीं करते। हाँ यार दोस्तों के लिए थोड़ा सा शौक पूरा करना उसके लिए, सही नहीं है, तभी भाई 5-डोर थार की टेस्टिंग चल रही है और जल्दी महिंद्रा अपने सामने लेके आएगी 5-डोर पक्का, ठीक है। तो भाई सीट बेल्ट की ओर बोल रही है भाई, सीट बेल्ट लगा ला ले भाई, अगर ये चुप हो जाए तो सीट बेल्ट से होगी चुप, हाँ हो तो जावे भाई चुप, सही है भाई, मजा तो आवे, कमांडिंग पोजीशन है इसका। एक बात बताऊं, बिल्कुल सीधा खड़ा है भाई शीशा, बिल्कुल सीधा खड़ा है यार, ये तो थोड़ा सा अगर एरोडायनामिक के हिसाब से देखे ना तो गड़बड़ है, आवाज़ ज़्यादा करेगी। अभी हार्ड टॉप है, हार्ड टॉप में भी आवाज़ आती है अगर आप स्पीड चल जाती है 80 से ऊपर, अगर आपने 80 से नीचे रहोगे तो आपको बढ़िया सी मतलब ठीक ठाक रहेगा काम, उसके बाद अगर आप ओवर स्पीड करोगे तो इसमें से आवाज़ आएगी भाई। अब सॉफ्ट टॉप पे तो भाई 40 के ऊपर भी फट करने लग जाएगी, सॉफ्ट टॉप तो आ भी नहीं रही भाई, जो ऑर्डर दे रहा है उस पे ही बनवा रहे हैं। एसी है इसका चिल्ड भाई, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट किया है, गाड़ी भाई चिल्ड कर रही है, मतलब एफिशिएंस बहुत बढ़िया है यार इसकी जो दे रहा है ना ये। ब्लोवर भी देखो एक पे है, उसके हिसाब से भी बहुत बढ़िया है यार, मैं तो क्रूज कंट्रोल वगैरह सब मिल जाते हैं गाड़ी में, ऐसा है नहीं कि थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन मिल जाता है, एक बार मैं करके दिखाऊं आपको आइडल स्टार्ट, जैसे कि अब हम आए और खड़ा होना है हमने, देखो भाई गाड़ी हो गई बंद बिल्कुल, ये देखो जीरो पे गई, मैंने बंद वगैरह कुछ नहीं किया चाबी से। अब आप यहीं पे देखना, मैं चाबी वाबी से कुछ नहीं, ओनली एंड ओनली क्लच दबाऊंगा मैं, तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, आप आरपीएम से देखना भाई, ये देखो। अब ये फीचर भाई काम आता कहाँ है, जैसे रेड लाइट पे हो गए, खड़े हैं कहीं जाम लग रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने में, तो उसका तो मतलब है ही। एक आपको रफनेस दिखाने के लिए है ना थार की, ये बुल्ट्स बहुत भाई निकाले गए हैं हर जगह, उस भी साइड हो गए, इसमें हो गए, देख पा रहे हो जहाँ तक भाई, यहाँ देख लो बिल्कुल रफनेस। और ये जो पावर विंडो ये दो आपको यहाँ पे दी गई है, जीप की तरह जो पुरानी जीप में आती थी ना भाई, बुलेरो में आते जीप में आते, वो रगेडनेस रखी गई है। कंफर्ट के हिसाब से इसमें सीट अच्छी करी गई है, और जो हैंडलिंग है वो थोड़ी सी लाइट करी गई है, मैं तो जहाँ तक बताऊँ आपको, ठीक है। बैक कैमरा मिल जाता है इसमें, शायद से एसेसरी पार्ट है, ये एसेसरी पार्ट है, टॉप मॉडल में भी नहीं आता भाई,
एसेसरीज का पार्ट है वो कैमरा। ये कैमरा लेते ही हैं भाई एसेसरीज और सभी महिंद्रा वाले। मैं तो क्लिच पे ही उठा रहा हूँ भाई, गाड़ी उड़ जाएगी ना भाई। डीजल है, डीजल है, थोड़ा टोर की इंजन तो भाई 300 mm का टोर काफी होता है। देखो भाई ऑफ रोडिंग वाला तो सिस्टम इससे नहीं हो पाएगा, यानी ये भाई 4x2 के हिसाब से शहर शहर में ही चलाने की है। ये भाई ये फोन वोन आते रहते हैं, क्या करे, डीलिंग हुए अभी थार चल रही है अब। अच्छा जी यार 4x2 के हिसाब से आप इसको हवाबाजी ही यंत्र मान सकते हो इसको। देखो मैं जहाँ तक आपको बताऊँ ना, अगर आप इसको रिकमेंड करो ऑफ रोडिंग ले जाने में, या मतलब निकाल दूंगा टोचन वोचन करके निकालूंगा कहीं किसी का आगे हवाबाजी करूँ, उसके लिए नहीं बनी हुई भाई। ये सिंपल बनी हुई है आपके, आपकी हवाबाजी कर देगी, ठीक है, बढ़िया वाली, ठीक। अस्ता भटक गए तो इसी खुशी में, भटक गए कि खुशी में आपको मैं स्पेस चेक करा देता हूँ भाई। मेरी है 5'11" हाइट, उस हिसाब से तो बढ़िया बैठा हूँ मैं, दिक्कत वाली बात है नहीं। पर जो हमारे पीछे बैठा है ना 6 फुट वाला बंदा भाई, स्पेस दिखा। एक नेगेटिव बताऊं भाई, सही है स्पेस बस। तीसरा बता दिया तो नहीं है। आप नेगेटिव की बात कर रहे थे भाई तरुण, बताओगे मेरे को कुछ नेगेटिव? स्टीयरिंग बहुत हार्ड है यार भाई। यार वो तो थार है यार, थार आप सोच के चला रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना है कि भाई फॉर्च्यूनर चला ली ना आपने तो आपने बोलो भाई 50 लाख वेस्ट हो गए मेरे, भगवान की इससे भी बहुत ज्यादा हार्ड है यार, बहुत ज्यादा हार्ड। तो कोई नहीं भाई, सबकी वो होती है परेशान। ओ भाई बिल्कुल मक्खन चलाना पसंद करते हैं हम, थोड़ा थोड़ा ट्रैक्टर जितना दे दो भाई थार में तब भी चल लेगा, ठीक है। सबसे बड़ा वो रहता है, क्या हो गया भाई ये यहाँ से खुलता है ऐसे खुल गया ये भाई, ये तो है प्रॉब्लम। देखो जेन्युइन प्रॉब्लम है इसकी भाई, आ जाओ, क्या हो गया सर, क्या कर रहे हो भाई? ये प्रॉब्लम है, देखो थार के मजे अलग है, सजा अलग है ना, जो 5 डोर आ रही है ना हाँ। वो बढ़िया है इससे तो भाई, वो तो यहाँ तक गेट पार देता है इसमें। यार देखो आज भी चाबी देखो लो यार, ये सुधारो भाई, ऐसे तो यार मत करो। चलो कोई ना, हवाबाजी करो बस, उसके लिए 4x2 वो मत करो, रुतबा 4x4 लगा के बैठो। ऐसे वैसे आप कर रहे हो कि भाई, मैं तो एक बात सोचता हूँ भाई, किसी ने लगवा रखा है 4x4 यहाँ पे लिखवा लिया, अब कहीं की गाड़ी टो करानी, जैसे मेरी फंस गई, मैं बोला भाई तेरी 4x4 है निकाल देना, फिर उसके साथ के बीतेगी नू बताओ भाई। भाई सही है, ठीक है भाई, इतना ही कुछ था ड्राइव इंप्रेशन में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।